डॉक्टर संजय सिंह, मैं सबसे पहले आपसे ही सवाल ये करना चाहती हूँ कि अगर हम अभी इस सोच को देखें, जिस तरह से दो मामले आए हैं, दिल्ली के, गुरुग्राम के और फिर मुजफ्फरपुर का, तीन मामले आए हैं, इसमें एक विकृत सोच मानसिकता दर्शाई जा रही है, क्या हम ये कहें कि इतनी घृणा क्यों बढ़ चुकी है कि इन पूरे मामलों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सवाल तो यही उठते हैं, कैचू से मारा गया, एक महिला को बांध करके जला दिया गया, इस तरह की सोच क्यों, इतनी घृणा क्यों? देखिए, तीन चीजें हैं इसमें। एक है फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटी में लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। नंबर दो, औरत को वीकर सेक्स हमेशा माना गया है। और नंबर तीन, कंपटीशन। ये तीनों पहलू को जब आप लीजिए तो एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी, एक आदमी जिसको फ्रस्ट्रेशन में जीना पड़ रहा है, वो देख रहा है कि एक कमजोर अबला नारी उसके सामने है और वो कहता है ये तो वीक है ही, और साथ में उसको लगता है ये कंपटीशन में भी मेरे सामने आ रही है, तो इसमें आक्रोश बेहद बढ़ जाता है, एकदम सीमा के पार चला जाता है, जिस तरीके से आपने इन सब मामलों में बहुत बखूबी दर्शाया। अब इसमें आप समझिए कि जब तक महिलाओं को अपने लिए, जब तक वो नहीं उठेंगी, जब तक वो डरेंगी, उनको और डराया जाएगा। अब महिलाओं को ये करना है कि महिलाएं आगे नहीं आ रही है, महिलाएं अपने हक के लिए आगे भी आ रही हैं, वो ना सिर्फ एक तरह से कहे ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, बल्कि एक समाधान भी देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सुनने को कौन तैयार है, बदलने को कौन तैयार है, ये भी तो कहीं ना कहीं समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल आप जुड़े चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद अपडेट देने के लिए आपका भी धन्यवाद। गीतिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में सोच को अगर हम ये कहें हम सही दिशा में ले जाए, तब हो सकता है कोई समाधान नजर आए। आज का एजेंडा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।